अभी इसमें ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट में आप खुद क्या कर सकते हैं और हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं। अगर आपको हेयर फॉल है तो आपको क्या करना है, तो हमें मालूम है कि स्ट्रेस की वजह से बाल जाते हैं, अगर स्ट्रेस की वजह से बाल जाते हैं तो क्या करना चाहिए, स्ट्रेस कम लेना चाहिए। बोले तो टाइम पे खाओ, टाइम पे सो जाओ, नींद अच्छी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए नींद, 7 से 8 घंटा, अच्छी नींद होनी चाहिए, रात में देर तक मोबाइल या वेब सीरीज या फेसबुक पे नहीं डालना है, दैट ऐड्स टू योर स्ट्रेस। देन खेलो, एक्सरसाइज से सर्कुलेशन बढ़ता है, देन आपका स्ट्रेस भी कम होता है एक्सरसाइज से। कुछ मेडिटेशन प्राणायाम कर सकते हैं, दैट विल, उससे हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। डाइट में हरी सब्जियां, फ्रूट्स, ताजे फल, ताजी सब्जियां खानी चाहिए। जो प्रोसेस करके अगर फ्रूट का जूस निकालते हैं तो उसकी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी कम होती है। अगर सब्जियां हम उबाल के या पका के खाते हैं तो उनकी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी कम होती है। सो कच्ची सब्जियां और कच्चे फल दोनों में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन की मात्रा भरपूर होती है। तो रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स। तो डैंड्रफ है तो आपका स्काल्प ऑयली है या ड्राई है, उसके हिसाब से आपको अच्छा शैम्पू इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया आप क्या कर सकते हैं जब आपका हेयर फॉल है। अगर आपका हेयर फॉल सीवियर है, मेल रहे फीमेल रहे, स्त्री में या पुरुष में, तो हम लोग क्या करते हैं, हम क्या इलाज करते हैं, कैसे इलाज करते हैं। सबसे पहले आप टेस्ट करवा के देखते हैं कि लैब टेस्ट में आपके ब्लड में विटामिन की लेवल ठीक है या नहीं है। तो विटामिन डी, विटामिन बी 12, आयरन एंड थायराइड, ये हम ब्लड टेस्ट में चेक करते हैं। इसमें आपको ज़्यादा बदलाव तो नहीं है। हम आपको स्टार्ट कर देते हैं हर पेशेंट को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन बोले तो जो स्ट्रेस की वजह से हमारे शरीर में, हमारे खून में जो जहरीले ऑक्सीजन के रेणु तैयार होते हैं उनको ब्लॉक करने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो विटामिन हमें लगते हैं वो विटामिन होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो हेयर और स्किन के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन लगते हैं उनका प्रकार और उनके मात्रा अलग होती है, इसलिए हेयर स्पेसिफिक एंटीऑक्सीडेंट जो बाल को लगने वाले विटामिन है उसका एक समुच्चय जो होता है, उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो हम ज़्यादा यूज करते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि फिक्स कॉम्बिनेशन मल्टीविटामिन की गोलियाँ हमें मिलती है, लेकिन वो मल्टीविटामिन की गोली हमें बाल के लिए जो विटामिन लगने वाले हैं उस विटामिन की मात्रा शायद उसमें पर्याप्त ना हो, तो फिर हमें हेयर स्पेसिफिक एंटीऑक्सीडेंट लेना है। कैसे लेना है, बहुत बार अगर हम डेली विटामिन लेते हैं तो 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद उसमें से कुछ विटामिन का डोज एक्सेस हो जाता है, फिर साइड इफेक्ट होते हैं। एक्सेस विटामिन से, ज़्यादा विटामिन होने से साइड इफेक्ट होने लगता है और बाकी विटामिन का अवेलेबल भर के आना बाकी होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, साइक्लिक न्यूट्रिशनल थेरेपी देते हैं। बोले तो विटामिन की गोली रोज नहीं लेना है, 1 दिन के बाद ले लो, हफ्ते में 2 बार ले लो, हफ्ते में 1 बार ले लो, और वो लगातार चालू रखो 6 महीना साल 1.5 साल, उससे साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा मात्रा में विटामिन बॉडी में पुश नहीं कर रहे हैं। तो साइक्लिक विटामिन थेरेपी, साइक्लिक न्यूट्रिशनल थेरेपी। फिर हम दूसरा इलाज होता है हार्मोन्स। हमने देखा स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, स्ट्रेस को फाइट करने के लिए हमने विटामिन का इस्तेमाल किया, हमने ठीक से नींद ले लिया। अभी हार्मोन से होता है हेयरफॉल, हार्मोन के लिए अगर फीमेल में हार्मोन की पिल्स दे सकते हैं, और पुरुष में भी हम मेरा फिनास्टेराइड और ड्यूटास्टेराइड, ये एंटी एंड्रोजन हार्मोन होते हैं जिससे ये हेयर फॉल जो हो रहा है वो कम हो सकता है। लेकिन ये जो हार्मोन से उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर अगर हेयर फॉल है तभी जाके हमें हार्मोन के टैबलेट्स यूज करने हैं, अदरवाइज हार्मोन के टैबलेट्स रूटीन ट्रीटमेंट में नहीं यूज करने चाहिए। स्किन सीडे में हम हार्मोन के टैबलेट्स यूज नहीं करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं हार्मोन फ्री सेफ हेयर ट्रीटमेंट्स। तो हार्मोन के बगैर सुरक्षित बाल के इलाज स्किन सिटी में होते हैं। तो ये क्या है सुरक्षित इलाज, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स। फिर हम कुछ लोशन लगाने के लिए देते हैं, मिनोक्सिडिल लोशन है वो सुरक्षित है। मिनोक्सिडिल जो लोशन है वो लोशन लगाने से बाल उगना शुरू होते हैं, क्योंकि बाल के जो रूट में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है या खून का जो बहाव होता है वो बढ़ जाता है। तो बाल के रूट को खून और ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में उसको सप्लाई होता है, फिर उसकी ग्रोथ होने लगती है। दूसरा लोशन हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम हेयर सीरम।
इसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर, जो स्टेम सेल से ग्रोथ फैक्टर तैयार होते हैं, वो ग्रोथ फैक्टर हम बाल के रूट में लगाते हैं। बहुत बार एक ग्रोथ फैक्टर प्लांट से बने होते हैं, तो ये ग्रोथ फैक्टर का सीरम हम ऊपर से लगाते हैं। तो मिनोक्सिडिल और ग्रोथ फैक्टर हम लोशन लगाते हैं बाल के रूट में, दिन में दो बार और कई महीनों तक लगाना पड़ता है। हार्मोन्स नहीं लेना है। और क्या इलाज बचा? तो बाल के रूट में कुछ दवा या कुछ विटामिन हमें इंजेक्शन से छोड़ते हैं। तो छोटे छोटे इंजेक्शन से बाल के रूट में, स्किन के मिडल लेयर में अगर हम इंजेक्शन छोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं मेसोथेरेपी। स्किन का मिडल लेयर मेसोडर्मिस, मेसोडर्मिस में इंजेक्शन देते हैं तो मेसोथेरेपी। तो 2003 साल में इलाज भारत में शुरू हुआ था। उसके पहले 10 डॉक्टर में जिनका ट्रेनिंग हुआ था उसमें मैं था। उसके बाद हमने बाल झड़ने में, स्काल्प के स्किन में, बाल के रूट में इंजेक्शन छोड़ने का इलाज हमने शुरू किया। अभी उसके अगला वाला जो इलाज आया है कि उसके सिर्फ विटामिन छोड़ने के बदले हम वहाँ प्लेटलेट छोड़ते हैं। ये प्लेटलेट क्या होते हैं? प्लेटलेट हमारे खून में प्लेटलेट की कोशिकाएँ होती है या पेशी होती है। तो हमारे खून में प्लेटलेट होते हैं, वो डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाते हैं। हम ब्लड बैंक में जाके प्लेटलेट का जो लिक्विड लेके आते हैं उसको बोलते हैं पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। फिर हम वो चढ़ाते हैं डेंगू के पेशेंट में। यह बाल झड़ने का अगर प्रॉब्लम सीवियर है तो हम आपका ही खून ले लेते हैं। यही हम क्लिनिक में उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसके रेड सेल्स निकाल देते हैं, वाइट सेल्स निकाल देते हैं, उसमें जो लिक्विड बचता है वो पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा वो बाल के रूट में स्काल्प में इंजेक्ट करना होता है। ये सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि हम डेंगू में किसी अनजान व्यक्ति का प्लेटलेट लाके हम खून में चढ़ाते हैं। ये तो अपना ही खून है और हम अपने ही स्किन में इंजेक्ट कर रहे हैं, तो इट्स 100% सेफ, इट इज ऑटोनॉमस। तो ये प्लेटलेट क्या काम करता है? तो प्लेटलेट में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर होते हैं। पूरे बॉडी का रिपेयर डिपार्टमेंट है वो प्लेटलेट में होता है। कहीं भी डैमेज है उसको रिपेयर करने के लिए जो भी लगता है वो प्लेटलेट के अंदर होता है। हम जब यहाँ प्लेटलेट इंजेक्ट करते हैं, जो हेयर के रूट डैमेज हो चुके हैं स्ट्रेस की वजह से, हार्मोन की वजह से, उनको रिपेयर किया जाता है और उसमें से बाल उगना शुरू हो जाता है। तो प्लेटलेट में ग्रोथ फैक्टर्स है, लेकिन हमारे स्किन और हेयर में तीन प्रकार के ग्रोथ फैक्टर आवश्यक होते हैं। एक होते हैं प्लेटलेट वाले ग्रोथ फैक्टर, दूसरे होते हैं एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, और तीसरे होते हैं फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। सो अभी ये प्लेटलेट तो हमें खून से मिल जाते हैं, लेकिन जो बाकी दो ग्रोथ फैक्टर हैं पहले उपलब्ध नहीं थे। अभी 3 साल से FDA अप्रूव्ड ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर्स अवेलेबल है। तो स्किन सिटी में प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर्स, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ये तीनों इकट्ठा करके उसका इंजेक्शन ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसे क्या होता है, हम इसको बोलते हैं ट्रिपल ग्रोथ फैक्टर। इससे हेयर फॉल बहुत जल्दी रुक जाता है, नए बाल आना शुरू हो जाते हैं और बाल का जो थिकनेस बढ़ना है वो काफ़ी तेजी से हो जाता है। सो अगर इंजेक्शन के ट्रीटमेंट में जब 2003 में मैंने सिखा था विटामिन इंजेक्ट करने का, तब से लेकर अभी ये 17 साल में अभी ट्रिपल ग्रोथ फैक्टर तक इसका ये विकास हो चुका है। इसका अगला वाला इलाज है लाइट लिमिटिंग डायोड। सो लेजर लाइट बहुत ही कम डोज में, LED लाइट जो होता है मेडिकल ग्रेड LED लाइट, अगर वो लाइट से बाल के हेयर फॉल में, बाल झड़ने में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आ जाता है, नए बाल उगने का भी प्रमाण बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन देते हैं अगर आप ठीक से नहीं खा रहे हैं तो, या आपके ब्लड में अगर विटामिन लेवल कम है तो। फिर हम आपको 2 टाइप के लोशन देते हैं, मिनोक्सिडिल और एक सीरम। हम हार्मोन नहीं देते हैं और हम इंजेक्शन में सिर्फ विटामिन नहीं लेकिन प्लेटलेट और ग्रोथ फैक्टर भी देते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिपल ग्रोथ फैक्टर, और LED लाइट से वो बाल को स्टिम्युलेट करते हैं। ये सब जब हम इकट्ठा करते हैं हार्मोन छोड़ के, उसको हम बोलते हैं हार्मोन फ्री सुरक्षित बाल के इलाज, हार्मोन फ्री सेफ हेयर ट्रीटमेंट्स इन स्किन सिटी। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो और एक बार सुनिए, आपको दोस्तों को सुनाइए। आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्किन सिटी इंडिया ऑफिशियल। और बाजू में एक
घंटे का बटन है बेल, उसको प्रेस करो, मतलब अगली बार मैं जब बात करूंगा आपको नोटिफिकेशन आएगा, डॉक्टर रिपी का वीडियो आ गया है आपको पता चलेगा। और ये वीडियो को आपको शेयर करना है आपके व्हाट्सएप में और आपको फेसबुक में, और आपको अगर कोई भी और सवाल है पूछना है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको समझो कुछ कंसल्ट करना है तो स्किन सिटी में हमने ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध की है, तो आप भारत में या दुनिया में कहीं भी हो आप घर बैठे बैठे स्किन सिटी के डॉक्टर से आप कंसल्टेशन करवा सकते हैं। इस पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है, और बाल को दिखाने के लिए तो बिल्कुल ट्रैवल नहीं करना है, आप घर में बैठ के आप कंसल्टेशन करवा सकते हैं, डायग्नोसिस करवा सकते हैं। सिर्फ जब आपको इलाज लेने के बाद में कुछ इंजेक्शन का ट्रीटमेंट हो या ग्रोथ फैक्टर का ट्रीटमेंट हो या फिर एलईडी का ट्रीटमेंट हो, बस उसी चीज़ के लिए आपको क्लिनिक आना है, बाकी तो आप घर बैठ के इलाज करवा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और एक बार।